वारिस भी आप हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार, और इसलिए जैसे परिवार का मुखिया अपने वारिस के लिए दिन रात काम करता है, वैसे ही आपके परिवार के सेवक के रूप में मैं भी, आप मेरे वारिस हैं, मैं आपको वारिस के रूप में कुछ देख करके जाना चाहता हूं। मुझे आपके क्षेत्र का विकास करना है, आपका विकास करना है, देश का विकास करना है, देश को विकसित बनाना है। साथियों, लखीमपुर खुरी, सीतापुर इलाके को यूपी का चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सपा सरकार ने मेरे गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। गन्ना चला जाता था, लेकिन बरसों तक किसान का भुगतान नहीं आता था। भुगतान होता भी था तो किस्तों में पैसे दिए जाते थे। ये सारी कमियां योगी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने दूर कर दी है। हमने सपा बसपा के समय का करीब करीब सारा बकाया गन्ना किसानों को चुका दिया है। भाजपा सरकार ने दूर कर दी है। हमने सपा बसपा के समय का करीब करीब सारा बकाया गन्ना किसानों को चुका दिया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा सपा बसपा ने अपने 10 साल में दिया था, उससे ज्यादा पैसा योगी जी ने पिछले 7 साल में दे चुके हैं। आज गन्ने का मूल्य भी बढ़कर अब 370 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी सैकड़ों करोड़ रुपये मिले हैं। ये इलाका केले की खेती का हब बने, इस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, मोदी आप सभी किसानों के लिए कैसे काम कर रहा है उसका एक उदाहरण है इथेनॉल। आजकल आप सुनते होंगे कि मोदी इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में जुटा है। मोदी सिर्फ इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रहा ऐसा नहीं, मोदी
आपकी आय भी बढ़ा रहा है। गन्ने से केवल चीनी ही नहीं बनती बल्कि गन्ने से इथेनॉल भी बनता है और वो भी गन्ने की खोई से जिसका कोई उपयोग नहीं होता। आज पूरे देश में इथेनॉल उत्पादन में हमारा यूपी नंबर वन है। दस वर्षों में करीब 80,000 करोड़ रुपए इथेनॉल खरीद में किसान को मिले हैं। साथियों, मोदी देश के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। आज इस क्षेत्र के लोग विकास के एक से एक बड़े काम गिना सकते हैं। सीतापुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निदासन से की सड़क, गोलहा से शाहजहांपुर हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी के काम आज सीतापुर लखीमपुर के लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। इस इलाके को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और एनडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये इंडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांध कर रखते थे। देश की पुलिस देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे, आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे, सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी। लेकिन सपा सरकार क्या करती थी, सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो, अफसरों पर दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलवाओ, और जो अफसर जरा भी आनाकानी करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। वाराणसी ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में तो कोर्ट ने जो सपा सरकार को कहा था वो इनकी हिस्ट्री सीट है। कोर्ट ने सपा सरकार से पूछा था, क्या अब
आतंकवादियों को पद्म भूषण देने का प्लान है क्या? इतना कुछ होता था, आखिर किसके लिए? इसका एक ही जवाब है, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के साजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मोदी की गारंटी एससी एसटी ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी एसटी ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं। साथियों, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली, हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, ये 5-10 लोगों का उत्साह जरा ज्यादा है, थोड़ी देर शांत रहेंगे, बाकियों को कुछ सुनना है। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपके प्यार को मेरे 100-100 सलाम। और साथियों, इसलिए हम मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है। और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खुले आम तुष्टीकरण करने के लिए निकले पड़े हैं। इन्होंने अपना घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बना डाला है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने
इतना ही नहीं, खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। अब कर्नाटक का मैं उदाहरण देता हूं, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये घटना आप गांव गांव जाके बताना, कर्नाटक में क्या किया उन्होंने। जैसे पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वैसे कर्नाटक में भी मिलता है। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला, रातों रात एक ऑर्डर निकाला और उस पर थप्पा मार दिया। ऑर्डर क्या निकाला, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जितने भी मुसलमान है, वो पसमंदा है कि नहीं है, वो अगड़ा है कि नहीं है, वो सैयद है, पठान है, कौन है, कोई भी, हर मुसलमान को रातों रात ओबीसी बना दिया। एक कागज निकालकर वो रातों रात ओबीसी बन गए। अब हुआ क्या, जी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसमें नए ओबीसी आ गए, रातों रात आ गए, और उन्होंने जो पहले जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें डाका डाला, लूट चलाई, पिछले दरवाजे से चोरी की, ये करके उन्होंने जो सालों से ओबीसी परेशान है उनको जो मिलता था वो भी लूट लिया। अब उनका इरादा है जो कर्नाटका में किया वही पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। धर्म के आधार पर एससी एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण को धर्म के आधार पर डाका डाल के लूट लेने वाले हैं। क्या इससे हमारा पासी भाई बहन, हमारे कुर्मी भाई बहन, हमारे यादव भाई बहन, हमारे लोधी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, हमारे शाक्य भाई बहन, हमारा कुशवाहा भाई बहन, इन सब का रातों रात लूट जाएगा? इतने सालों से जो हक आपको मिला है उसमें डाका डालने का खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान पर इनको कोई भी खेल खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है, मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है, एससी
एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण मिला है किसी को भी उसमें से रत्ती भर चोरी नहीं करने दूंगा। साथियों, कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है, इनकी नजर आपके घर, आपके मकान, आपका खेत, आपके पास कोई नकद रकम है, कैश है तो वो, आपके घर में कोई गहने हैं, जेवर है, शादी में आपके परिवार की महिला अपने मायके से जो स्त्री धन लाई है, मंगलसूत्र है, ये सारे पर ये इंडी वालों की, सपा कांग्रेस की नजर है। और वो खुलेआम कहते हैं कि आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे। मैंने तो कांग्रेस वालों के दिमाग का एक्सरे निकाल दिया है। वे आपका एक्सरे निकालेंगे और आपके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको वो लूट लेंगे। और कहते हैं कि संपत्ति लेकर के हम उसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह के गए हैं। मतलब ये जो आपसे ले लेंगे, जिनका पहला अधिकार है वो अपनी वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, क्या आपके पूर्वजों ने जमा की आपकी संपत्ति क्या सरकार को छीनने देंगे? क्या जरा पूरी ताकत से बताओ, छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों का मंगल सूत्र छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों के जवेरात छीनने देंगे क्या? क्या आपके खेत के टुकड़े होने देंगे क्या? क्या आपकी संपत्ति लूटने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी दीवार बन के खड़ा है। आप मुझे बताइए, आपको लूटने के इरादे जिनके मन में है, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को घर वापस भेजना चाहिए कि नहीं? चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं? हर पोलिंग बूथ में साफ करना चाहिए कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा बीजेपी एनडीए को वोट दे करके इनका सफाया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, आज मैं सपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन से एक और बात जानना चाहता हूं। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370 आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था,
ये 370 दीवार थी, ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे, क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं, सपा कांग्रेस वालों ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? साथियों, बीते 10 वर्ष जो विकास कार्य हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है, 5 वर्ष में कई गुना ज्यादा काम करना है। हर एक को, इस देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार मोदी की सरकार आई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक भी ऐसा इंसान है इतना काम करने वाला, हर किसी को कुछ न कुछ मिलेगा जी। मुझे केले के तने से फाइबर बनाने वाली धौरहरा की बहनों के समूह को और मजबूत करना है। मुझे 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। काम बड़ा है लेकिन मोदी को छोटे काम की आदत ही नहीं है। नमो ड्रोन दीदी बनाकर बहनों को और सशक्त करना है। दूधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म मैप का ब्राइट स्पॉट बनाना है। ऐसे हर विकास कार्य के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, और आशीर्वाद देने का सरल उपाय है, बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देना। जहां कमल के निशान वाले हैं उनको कमल के निशान पर वोट देना, और जहां पर कप सौसर वाले हैं उनको वोट देना। साथियों, आपको 13 मई को धौरहरा से हमारी बहन रेखा अरुण वर्मा जी को, सीतापुर से हमारे साथी राजेश वर्मा जी को, और खीरी सीट से हमारे साथी अजय मिश्रा टेनी जी को भारी बहुमत से संसद में भेजना है।
और आप जब इनको वोट देंगे ना, वो सीधा सीधा मोदी के खाते में आने वाला है। गर्मी कितनी क्यों न हो, मतदान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे यार, ठंडे पड़ गए यार, ऐसा चलता है क्या? मैं आपके घर आया हूं और कह रहा हूं मेरा काम करोगे? सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताओ तो बताऊंगा, मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे? एक काम करना, घर घर जाना, जितने लोगों के घर जा सकते हो जाना, और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में पहुंचा देंगे। जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो उस परिवार के मुखिया मुझे आशीर्वाद देंगे, जब उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना, तो मुझे एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी आपके लिए काम करने के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।